से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। भक्तजनों, भगवान राम के परम भक्त अंजनी लाला केसरी नंदन श्री हनुमान जी की कृपा जिस पर भी हो जाती है, वो भक्त जीवन के सकल सुख भोगकर अंत में प्रभु राम के चरणों को प्राप्त करता है। जो भक्त श्री हनुमान जी के पावन मंगलवार के व्रत को करता है, उन्हें सिंदूर और तेल अर्पण करता है, लाल पुष्पों से उनका श्रृंगार करता है, सायंकाल में आरती चालीसा करने के पश्चात गेहूं और गुड़ का बना मीठा प्रसाद ग्रहण करता है, वो प्राणी जीवन में सदैव श्री हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करता है। तो आइए हम भी सुनते हैं श्री हनुमान जी के पावन मंगलवार की संगीतमय व्रत कथा। एक बार फिर बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। राम के नाम को भक्तों गालो, मन में हनुमान को ध्यालो, हो कल्याण जी कृपा करेंगे हनुमान जी। मंगलवार व्रत कथा पावन, भक्ति में रम जाता तन मन, ले जो नाम जी कृपा करेंगे हनुमान जी। एक समय की बात है भक्तों, ऋषि नगर में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ जीवन यापन करता था। पूजा पाठ क्रिया कर्म इत्यादि कराने से जो धन उसे मिलता, उससे उसके परिवार का गुजर बसर हो ही जाता था। जीवन में सब सुख ही सुख था, बस एक ही दुख उन दोनों को खाए जाता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी के परम भक्त थे। हर मंगलवार को श्री हनुमान जी का व्रत करते, उन्हें तेल व सिंदूर प्रदान करते, लाल पुष्पों की माला उनके चरणों में अर्पित करते, सायंकाल आरती चालीसा के पश्चात एक समय ही गुड़ और गेहूं का मीठा बना प्रसाद ग्रहण करते और बार बार हनुमान जी से केवल एक ही प्रार्थना करते। सब कुछ हनुमत तुमने दिया है, हर कारज को पूर्ण किया है। राम के कारज करने वाले तुम ही रक्षक, तुम रखवाले। बाबा क्यों है झोली खाली, आए दर पे बन के सवाली, हे हनुमान जी दो संतान का दान जी। राम के नाम को भक्तों गालो, मन में हनुमान को ध्यालो, हो कल्याण जी कृपा करेंगे हनुमान जी। धीरे धीरे आठ मंगलवार व्यतीत हो गए भक्तों, परंतु दोनों की झोली आज भी संतान सुख से खाली थी। एक दिवस केशव दत्त के मन में विचार आया कि क्यों ना वनों में जाकर प्रभु श्री राम
और हनुमान जी के नाम का जप तप करूं, शायद इसी बात से प्रसन्न होकर वो उन्हें संतान का वरदान दे दे। यही सोचकर केशव दत्त वनों को चला गया। इधर उसकी पत्नी अंजलि पहले की तरह ही नित्य नेम से मंगलवार का व्रत करती, परंतु एक मंगलवार उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। भक्तों, मन भी पति वियोग में व्याकुल था। उसने व्रत तो किया, परंतु सायंकाल गुड़ और गेहूं का भोग लगाना भूल गई। अगले दिवस जब उसे अपनी भूल का ज्ञात हुआ, तो उसने प्रायश्चित करने की ठानी। भक्तों, उसने मन में विचार किया कि अगले मंगलवार तक पूरे एक सप्ताह वो भूखी प्यासी रहेगी और अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न व जल ग्रहण करेगी। भूखी प्यासी मैं तो रहूंगी, पाप का प्राचित मैं तो करूंगी। अगले मंगल भोग लगा के मुख में दाना अन्न का रखूंगी। ना खाया अन्न का दाना अंजलि ने मन में था ठाना, ये विश्वास जी दे दो क्षमा का मुझे दान जी। राम के नाम को भक्तों गालो, मन में हनुमान को ध्यालो, हो कल्याण जी कृपा करेंगे हनुमान जी। एक सप्ताह तक निर्जला व्रत उपवास करने से अंजलि का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। भक्तों, देखते देखते अगला मंगलवार भी आ गया। व्रत तो उसने एक सप्ताह से रखा ही हुआ था। सायंकाल को आरती चालीसा पढ़ने के पश्चात गुड़ और गेहूं के बने प्रसाद का भोग लगाया ही था कि वो मूर्छित होकर भूमि पे गिर गई। इधर हनुमान जी उसकी इस अविरल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और मूर्छा काल में ही उसे दर्शन देकर पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। थोड़ी देर के बाद जब अंजलि की मूर्छा समाप्त हुई, तो उसने प्रसाद ग्रहण किया और प्रभु नाम जपने लगी। जीवन में खुशियाँ की छाई, श्री हनुमत की कृपा पाई। सुख यश वैभव सब कुछ पाया, गोद में नन्हा बालक आया। वो तो राम के नाम को गाए, हनुमत को निश दिन वो ध्याए। लेती नाम जी जय जय तिहारी हनुमान जी। राम के नाम को भक्तों गालो, मन में हनुमान को ध्यालो, हो कल्याण जी कृपा करेंगे हनुमान जी। कुछ समय पश्चात केशव दत्त जब वनों से वापस आया, तो क्या देखता है कि घर के आंगन में एक नन्हा बालक खेल रहा है। घर में सुख संपत्ति यश वैभव सब कुछ आ गया है।
कौतूहलवश अपनी स्त्री अंजलि से पूछता है कि ये सब भला कैसे हो गया, यह बालक कौन है। तो अंजलि उसे सारी कथा बताती है कि किस तरह से श्री हनुमान जी ने हम पर अपनी कृपा बरसाई, हमें सुख संपत्ति धन धान यश वैभव सब कुछ दे दिया और मेरी झोली में ये नन्हा बालक भी डाल दिया। परंतु हाय री मानुष बुद्धि, जब मनुष्य को संशय का कीड़ा काट लेता है ना भक्तों, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। केशव दत्त के मन में अचानक ये विचार घर कर गया कि अंजलि हो ना हो चरित्रहीन है और ये बालक उसके दुराचार का परिणाम है। यह कहकर वो बहुत क्रोध से अंजलि से बोला कि वो अब उसके साथ कदापि नहीं रहेगा। अगले दिवस वो और उसके पाप की निशानी इस बालक को उसके पीहर छोड़ देगा। अंजलि ने लाख समझाया परंतु केशव न माना। हार कर अंजलि हनुमान जी के चरणों में गिर गई और रो रो कर प्रार्थना करने लगी। इस पर हनुमान जी ने क्या लीला दिखाई, आइए सुनते हैं। हनुमत जी फिर लीला दिखाए, केशव के सपनों में आए। सारा सच केशव को बताया, स्वप्न में सारा भेद बताया। केशव को सब समझ में आया, ये सब हनुमान की माया। हुआ विश्वास जी, हनुमत ने पूरी की है आस जी। राम के नाम को भक्तों गालो, मन में हनुमान को ध्यालो, हो कल्याण जी, कृपा करेंगे हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी के स्वप्न में दर्शन पाकर केशव धन्य हो गया। उसे अपनी भूल का एहसास भी हो गया। सुबह नहा धोकर उसने हनुमान जी की ज्योत आरती करी और अंजलि से अपने दुर्व्यवहार की क्षमा याचना भी करी। बड़े प्रेम से अपने बालक को गोद में उठाकर ढेर सारा प्यार किया। तब से ही भक्तों वो सारा परिवार नित्य प्रति मंगलवार का पावन व्रत रखता, श्री हनुमान जी को तेल सिंदूर अर्पित करता, लाल पुष्पों से उनका और हनुमत दरबार का श्रृंगार करता। सायंकाल को आरती चालीसा के पश्चात गुड़ और गेहूं का बना मीठा भोजन प्रसाद ग्रहण करता और श्री हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करता। तो देखा आपने भक्तों, जिस प्रकार केशव दत्त और उसकी पत्नी अंजलि ने पावन मंगलवार के व्रत रखकर जीवन के समस्त सुख भोगे, उसी तरह इस घनघोर कलयुग में भी प्राणी जब पावन मंगलवार के व्रत रखता है तो वो श्री हनुमान जी की और प्रभु राम की कृपा प्राप्त करता है। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। राम के नाम की जप लो माला, पार करेंगे हनुमत बाला। भव से नैया तर जाएगी, खाली झोली भर जाएगी। इन्हें लगाओ भक्ति चंदन, कर लो चरणों में तुम वंदन। हो भव पार जी, कृपा करेंगे हनुमान जी। कृपा करेंगे हनुमान
राम के नाम को भक्तों गालो, मन में हनुमान को ध्यालो, हो कल्याण जी कृपा करेंगे हनुमान जी। श्री हनुमते नमो नमः, जय हनुमते नमो नमः, श्री राम दूताय नमो नमः। ओम हं हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः, जय हनुमते नमो नमः, श्री राम दूताय नमो नमः। हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः, जय हनुमते नमो नमः, श्री राम दूताय नमो नमः। हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः, जय हनुमते नमो नमः, श्री राम दूताय नमो नमः। हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः, जय हनुमते नमो नमः, श्री राम दूताय नमो नमः। हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः, जय हनुमते नमो नमः, श्री राम दूताय नमो नमः। हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः, जय हनुमते नमो नमः, श्री राम दूताय नमो नमः। हनुमते नमो नमः,
श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमते नमो नमः। श्री राम दूताय नमो नमः। हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमते नमो नमः। श्री राम दूताय नमो नमः। हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमते नमो नमः। श्री राम दूताय नमो नमः। हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमते नमो नमः। श्री राम दूताय नमो नमः। हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमते नमो नमः। श्री राम दूताय नमो नमः। हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमते नमो नमः। श्री राम दूताय नमो नमः। हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमते नमो नमः। श्री राम दूताय नमो नमः। हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमते नमो नमः। श्री राम दूताय नमो नमः। हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमते नमो नमः। श्री राम दूताय नमो नमः। हनुमते
नमो नमः श्री हनुमते नमो नमः जय हनुमते नमो नमः श्री राम दूताय नमो नमः हनुमत्यै नमो नमः श्री हनुमत्यै नमो नमः जय हनुमत्यै नमो नमः श्री राम दूताय नमो नमः पति राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की
Yeah।